नमस्कार, मैं मोहन दुबे, वीएसआरएस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और तोहफा दिया है। पीएम ने सूरत को सौराष्ट्र से जलमार्ग से जोड़ने वाले हाजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया है। इस सेवा के शुरू हो जाने से घोघा और हाजीरा के बीच सड़क मार्ग की जो दूरी 375 किलोमीटर है, वो समंदर किनारे से घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। पीएम ने कहा कि पहले जिस दूरी को कवर करने में 10 से 15 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में 3 से 4 घंटे का ही समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना का उद्घाटन किया और हाजीरा से घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। 77 साल के बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। एनवाईटी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में जीत के साथ ही उन्होंने बहुमत के लिए जरूरी इलेक्टोरल वोट जुटा लिए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। बाइडेन को अब तक 7.4 करोड़ वोट मिल चुके हैं। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र अत्यंत जटिल और बहुआयामी है, जिसमें सुरक्षा परिदृश्य अप्रत्याशित है और ऐसे में सशस्त्र बलों को विभिन्न मोर्चों से पैदा हो रहे विदेशी सरकारों और उनसे इतर तत्वों के खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भदौरिया ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 139वें पाठ्यक्रम के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने के बाद यहाँ कैंडिडेट को संबोधित करते हुए कहा, एनडीए केवल नेतृत्व का ही उद्गम स्थल नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने की भावना भी यहाँ विकसित की जाती है। एनडीए में मिले संयुक्त परीक्षण के व्यापक अनुभव को कई अकेडमियों में आगे ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आज का युद्ध क्षेत्र बहुत ही जटिल और बहुआयामी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने कहा कि विदेशियों ने हमारे सांस्कृतिक वातावरण और रीति रिवाजों को देखा, लेकिन अपने अनुभव और बुद्धि के हिसाब से उनकी व्याख्या की, इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। हम लोगों ने भी अपनी भाषा को उनके प्रभाव के अधीन कर दिया है। उन्होंने अपनी सत्ता के लिए इसका दुरुपयोग किया। जिन लोगों ने विरोध किया, उन्हें दबा दिया गया। इससे हमारे शब्दों को लेकर गड़बड़ियां पैदा हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का 3 चरणों का महासंग्राम खत्म हो चुका है। अब जो एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं, उसमें कोई महागठबंधन को सत्ता में पहुंचा रहा है तो कोई एनडीए को। अब सत्ता में कौन आएगा, इसका फैसला 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद होगा। इस सर्वे पर अधिकतर लोगों की नजरें एनडीए के साथ ही रहे एलजेपी के प्रदर्शन पर नजर थी और सर्वे के मुताबिक एलजेपी तो फिसड्डी साबित तो हुई, साथ ही उसने एनडीए का भी गुणागणित बिगाड़ कर रख दिया। खासकर एलजेपी ने जदयू को तगड़ी चोट दी है। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी 93 साल के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। लॉन में बैठकर बातचीत हुई। आडवाणी की बेटी प्रतिभा केक लेकर आई। मोदी ने आडवाणी का हाथ पकड़कर उनसे केक कटवाया और दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित थे। इंदौर के जम्बूडी हप्सी गांव में नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा ने 46 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके घर बना लिया था। मामला गरमाने पर पिछले दिनों राजस्व विभाग ने इसकी जांच की। इसमें खुलासा होने के बाद सुबह सुबह कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। योगी सरकार की बड़ी घोषणा, गोरखपुर बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 215.77 करोड़ की परियोजनाओं का लखनऊ से वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 19.78 करोड़ की लागत से 6 कार्यों का लोकार्पण तथा 94.75 करोड़ के साथ कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा 108.52 करोड़ की 4 परियोजनाओं की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना का एक और दौर आने से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें अब पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना का सामना करने के लिए बनाए गए नियम कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद 9वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन उसके लिए पहले तैयारी करनी होगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर छिड़काव, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दीपावली के लिए गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिस तरह बाकी त्योहार सादगी से मनाए गए, वैसे ही दीपावली का त्योहार भी सादगीपूर्ण ही मनाया जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिरों को अभी तक नहीं खोला गया है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि हर कोई घर में ही पूजा पाठ करे, साथ ही दीपावली के चलते सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करे, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। कोरोना महामारी के मद्देनजर पटाखे फोड़कर पर्यावरण को दूषित करने के बजाय संरक्षित करने पर ध्यान दे। दीपावली दीयों का त्योहार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दीप जलाकर त्योहार मनाएं।
ऐसा आवाहन पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने किया है।